और अपमान की भावना अपने को देह मानने के कारण ही है। आत्मा में तो ना मान है ना अपमान है, ये सब जीव को बीमारियां हैं। हर जगह वो मान चाहता है, इज्जत चाहता है, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है। अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ करता है तो सोचता है गुरु भी मेरे को मान देवे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आता हूँ जाता हूँ, इतनी दूर से आता हूँ। ये सब जो अभिमान है ये मनुष्य के भीतर, क्योंकि देह अध्यास पड़ा है, अपने आप को शरीर करके जानता है और द्वंद्वी जोड़ों में झूलता रहता है। लेकिन जो अपने को ब्रह्म स्वरूप करके जानता है वो किसी उलझन में नहीं जाएगा। अगर तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, चलो मान लो कभी कभी शरीर से इनकार करना तुम्हें कठिन लगता है, अहंकार से इनकार करना कठिन लगता है, तो गुरु कहता है अपने अहंकार को बदल दो। जैसे पांच विकार की बात आती है, भाई कामना करनी है परमात्मा की करो, क्रोध करना है मन पर करो, लोभ करना है गुरु के वचनों का करो, मोह करना है तो भगवान से गुरु से करो, इसी प्रकार से अहंकार भी करना है तो शुद्ध अहंकार करो, आई एम दैट। तो वो अहंकार तुम्हें बांधेगा नहीं, क्योंकि वो अहंकार तुम्हें द्वैत से ऊंचा उठाएगा, निर्विकार बनाएगा, शुद्ध बनाएगा। ये ऐसी प्रॉब्लम कईयों के साथ आती है कि अपने को नहीं माइनस कर पाते, ईगो नहीं हटा पाते। चलो उसी अहंकार को बड़ा कर लो, इतना बड़ा कर लो कि सारी सृष्टि की मैं करो, वो भी ठीक है। लेकिन एक देह में रह के जब मैं का भाव करते हैं तो ये एक अज्ञान है। भगवान कृष्ण भी मैं कर रहे हैं, अर्जुन भी मैं कह रहा है, लेकिन दोनों की मैं में बहुत फर्क है। शब्द वही है मैं का। जब अर्जुन मैं कह रहा है तो वो अपने को शरीर करके जानता है, और जब भगवान मैं कह रहे हैं वो अपने को ब्रह्मस्वरूप जान रहे हैं। व्यवहार में भाषा तो ज्ञानी भी वही बोलेगा, जो अज्ञानी भाषा बोलते हैं भाषा तो वही है ज्ञानी की भी, सेम बात करते हैं दोनों, लेकिन एक डिफरेंस आ जाता है अंदर के भाव का। अर्जुन जब मैं कहता है तो वो मिस्टर अर्जुन है, वो अपने को नाम रूप जानता है, आकार जानता है, फिर उसका संबंध भी है, बहुत सारी बातें हैं। पर जिस समय भगवान कृष्ण मैं कहते हैं, उनका शरीर से कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है, ना वो द्वारिकाधीश होके बोल रहे हैं, ना यशोदा नंदन होके बोल रहे हैं, ना नंद बाबा के पुत्रों के बोल रहे हैं, वो स्वयं को ब्रह्म स्वरूप जानते हैं, मतलब गॉडहुड में खड़े हैं। जब वो गॉडहुड में खड़े हैं तो मैं कितनी भी करें वो मैं उनका बंधन नहीं है। जीव की मैं बंधन है, क्योंकि उसमें मान अपमान है, तेरी मेरी सत्य और बद बहुत कुछ है। ब्रह्मज्ञानी जब मैं कहता है तो उसका वास्ता ये छोटे जगत से नहीं है, वो जब मैं कहता है तो अपने स्वरूप की मैं कहता है। कभी तुमने कपड़े धोए होंगे तो जब कपड़े धो के नील लगाते हैं, एक आध कपड़े को नील लगाओ ना, छांट के देखो तो कपड़े पे धब्बा आ गया, आप समझ जाते हो नील ज़्यादा हो गया है। अब क्या करते हैं, नील वाले पानी में थोड़ा सादा पानी मिला देते हैं, धब्बे आने बंद हो जाते हैं। हद में धब्बे हैं, बेहद होते जाओ सारे धब्बे पड़ने बंद हो जाएंगे।
शरीर की हद से भी बाहर आ जाओ, अपने स्वरूप की बात करो। जो तू सत्स्वरूप आत्मा है, बार बार अपने स्वरूप का निश्चय करो, बार बार अपने स्वरूप की बात याद करो, तो तुम इस फीलिंग से ऊंचे उठ जाएंगे। असल में जीव भाव में कर्तापन है, और कर्तापन के कारण हमको प्रशंसा रूपी रिवॉर्ड चाहिए। मान की इच्छा इसीलिए होती है क्योंकि हम कर्ता भाव में। अब अगर तुम ये जानो, तुम्हारे अंदर भक्ति है, प्रेम है, अगर तुम ये जानो मैं जाने वाला नहीं हूँ, भगवान बुला लेता है। अब कितने लोग हैं जिनके पास साधन भी हैं, शरीर भी समर्थ है, लेकिन नहीं पहुँच पाते हैं। क्या कारण है? मनबंधन बना हुआ है ना। तुम आ जाते हैं, ये लगन भी भगवान की लगाई हुई है, उसमें भी कोई मान की भावना नहीं होनी चाहिए। कैसा मान? गुरु के दर पे मान मिटाने आया जाता है या मान लेने आया जाता है? गुरु के पास नाज से नहीं, न्याज से आया जाता है, झुक के आया जाता है। जब तुम्हें कुछ चाहिए, सुराही के ऊपर कटोरी रखी थी तो कटोरी कहती है सुराही से, मैं देखती हूँ तू सारा दिन सबकी प्यास बुझाती है, लेकिन मेरी प्यास तो नहीं बुझाती तू, मैं तो प्यासी की प्यासी हूँ, तेरे साथ बैठी हूँ। हालांकि कटोरी हंसने लगी, सुराही हंसने लगी, बोला तू बैठी कहाँ है? जो आ रहा है वो झुक के पानी पी रहा है, तू चढ़ी बैठी है मेरे सिर पे। अब सिर पे बैठने वाले की प्यास नहीं बुझती है। गुरु से कभी मान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमेशा ये अपेक्षा हो गुरु मेरे मान का मर्दन करे, गुरु मेरे अहंकार को काटे, गुरु मुझे सही समझ देवे, गुरु मुझे जागृत करे। अगर दुनिया में भी मान मिला, यहाँ भी मान की इच्छा से आओगे, तो फिर तुम अपने स्वरूप का बोध कभी नहीं कर पाओगे। इतने बड़े बड़े साहूकार, सेठ सब जाते हैं संतों के पास, सब उनको मान देते हैं। उस मान के चक्कर में वो आज तक निज स्वरूप को नहीं जान पाए, क्योंकि दुनिया में भी यही भूख थी, अब यहाँ के भी यही इच्छा रखी, तो मान से ऊपर कब उठेंगे? चखना चाहे प्रेम रस, रखना चाहे मान, एक मयान में दो खड़ग देखा सुना न कान। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं आ सकती हैं, इसी तरह से जीवन में भी अगर प्रेम रहेगा तो मान नहीं रहेगा, मान रहेगा तो फिर प्रेम नहीं रहेगा। मैं था तो हरि नाहीं, हरि है तो मैं नाहीं, प्रेम गली अति साकड़ी जा मैं दो ना समाए। इस प्रेम गली में दो नहीं समाएंगे, एक रहता है, या खुदी रहे या खुदा रहे, तुम चाहोगे दोनों रह जाएं, ये संभव नहीं है। या खुदी रहेगी या खुदा रहेगा। तुम ये सोचो कि मैं जीव पड़ने वाली भी जिए और मैं आत्मा की मैं भी कर लूं, दोनों बातें संभव नहीं है। एक को मरना पड़ता है तभी दूसरे को जीवन मिलता है। स्पेस देते एक दूसरे को, अहंकार हटेगा तभी भगवान प्रकटेगा। और अगर हम अहंकार को जीवित रखना चाहते हैं तो कभी अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पाएंगे। आनंद पाना चाहते हो, अहंकार की वेदी पर आनंद के फूल खिलेंगे। अगर तुमने अहंकार की वेदी नहीं बनाई,
आनंद के फूल जीवन में नहीं खिल सकते। अहंकार को गलाना पड़ेगा, बीज मिटेगा तभी तो वृक्ष होगा ना। तो ये मान के पीछे क्या जाना, मान माना ही है, माना हुआ मान माना ही है जो मन से पैदा हो रहा है भाव, इससे ज्यादा तो मान कुछ नहीं है। ज्ञानी ने अपना मान खुद किया है अपने को ब्रह्म स्वरूप जान के, तुमने अपना अपमान खुद किया है अपने को देह जान के। सीधी सी बात है, अगर तुम अपने को विकारी शरीर जानते हो, अपना अपमान खुद ही कर रहे हो, हम करें या ना करें, वैसे कौन से मान वाले हो। अपमानित किया हुआ है अपने को खुद, इतना ऊंचा भगवंत होके और कहता है मैं देह हूं, इतना ऊंचा परमात्मा होके कहता है नहीं मैं तो माँ हूं, मैं तो बाप हूं, मेरे तो बच्चे हैं, मेरे को तो विकारों में सुख है। तो तुमने तो अपना अपमान वैसे ही बहुत किया हुआ है, हम करें ना करें क्या फर्क पड़ रहा है, तुमने खुद अपनी बेइज्जती की हुई है। इतना बड़ा परमात्मा होके और अपने को शरीर मानता है, तुच्छ देह मानता है, ये विष्ठा का थैला शरीर, और कहता है ये मैं हूं, अपमान तो खुद किया है तुमने अपना। और अगर अभी मान करना चाहते हो तो अपना मान भी ऐसे करो अपने को ब्रह्म स्वरूप जान के, और एक बार अपना मान खुद कर दो, किसी से मान की उम्मीद नहीं रहती, ये भी पक्की बात है। अगर कोई स्वयं का मान कर दे, अगर कोई अपने आप को जान ले, उसके बाद कोई मेरा मान करे ये इच्छा रह ही नहीं जाती है, क्योंकि जितना बड़ा मैं हूँ, जितने प्रभाव वाला मैं हूँ, कोई मुझे जाने तो मेरा मान करेगा ना, इसको क्या पता। अब डॉक्टर से हम लोग बात करते हैं, वो हमें क्या बात बताता है, थोड़ी सी बता देता है, हाँ ठीक है, हाँ ये दिक्कत है। वो अगर बोलने लगी अपनी डॉक्टर वाली लैंग्वेज, हम लोगों को समझ ही नहीं आएगी, कुछ हाँ करके आ जाएंगे, कोई पूछेगा क्या बोला, पता नहीं क्या कहता था, तो डॉक्टर की भाषा डॉक्टर समझेगा, कोई दूसरे डॉक्टर से डिस्कस करेगा तो उसको बताएगा सारी टर्म्स में बात अपनी, वो समझ जाएगा। अब ज्ञानी भी जानता है जो मैं हूं, अब मेरे को जानने के लिए कोई इतना ऊंचा तो होए, एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई, कोई ऊंचा हो जाए तो मुझ ऊंचे को जान जाएगा, उम्मीद ही नहीं रहती अगले से मान की, क्या उम्मीद रखोगे। रिक्शा वाले से नमस्ते की उम्मीद है, रहती है नहीं है, पर भिखारी से है तुम्हें कि अगर मैंने उसको पैसा दिया वो मेरे को सलाम ठोके, रेस्टोरेंट में वेटर को टिप दोगे उससे उम्मीद हो जाएगी। इच्छा तुमने रखी, अगर तुमने किसी से कुछ किया उससे तुमने इच्छा रखी, जनवाना चाहा, किसी को जनवाया मैं सेठ हूं, किसी को जनवाया मैं साहूकार हूं, किसी को जनवाया मैं बहुत बड़ा हूं, फिर इच्छा हो गई। पर अगर मैं इतना बड़ा हो जाऊं आकाश की न्याय व्यापक, मुझे इच्छा नहीं रहेगी। या तो बिल्कुल मिट्टी हो जाओ, गर्क हो जाओ तो इच्छा नहीं रहती, या फिर बहुत विशाल हो जाओ तो इच्छा नहीं रहती, दोनों में से एक काम होना चाहिए। या तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाओ, हाँ कछ नाहीं, या तो इस भाव में आ जाओ, या फिर बहुत विशाल हो जाओ, जैसे भगवान कृष्ण 10वें 11वें अध्याय में अपनी महिमा बताते हैं। या तो ऐसे हो जाओ इतने विशाल, ये जो बीच में लटके पड़े हैं ना उनकी अधोगति है सारी,
ना पूरी तरह से मरते हो, ना पूरी तरह से विशालता में आते हो, तो मुश्किल बनी रहती है। एक तरफ हो जाओ, नहीं तुमसे मैं मिटाई जाती, इस मैं को बड़ा कर दो, नहीं तुमसे अपनी ममता मारी जाती है, ममता सारी दुनिया से शुरू कर दो। ज्ञानी सारी दुनिया से ममता करता है, जो उसके करीब आता है ऐसा प्यार करता है, वो कहता है मुझे ही प्यार करते हैं शायद। ज्ञानी ने क्या किया, अपना मोह बड़ा कर दिया। तुम्हारे मोह के दायरे में चार लोग थे, ज्ञानी के मोह के दायरे में सारी दुनिया है। अब मोह बंधन नहीं है, अब मोह रुलाने वाला भी नहीं है। जो जाने लगता है खुशी से विदा कराते, जाके उसके घर ही मिलाते हैं, अच्छा भाई हरिओम है, एक आध दिन में लुढ़क जाएगा अपने आप, मिलाते हैं जाके सबसे। पर यही घर का मोह का दायरा हो, दो प्राणी तीन प्राणी से मोह है, खालीपन लगता है, दुख लगता है, उलझन लगती है, परेशानी लगती है, तो विशालता में आओ। गुरु कभी भी तुम्हें कुछ छोड़ने को नहीं कह रहा, पर वो कह रहा है फिर विशाल हो जाओ, छोटी छोटी चीजों की कामना मत करो, सीधी भगवान की कामना करो, छोटा छोटा लोभ मत करो, सीधा गुरु के वचनों का लोभ करो, विशालता में आ जाओ ना, तो कोई परेशानी नहीं होगी। पर जब पड़े रहते हैं हम छोटे से अध के दायरे में, सारा दिन सुख है दुख है, मान है अपमान है, लाभ है हानि है, यश है अपयश है, और चिंतन रहता है, फिर सबसे बड़ी बात है जीव का चिंतन नहीं खत्म होता, उसके अंदर कोई ना कोई चिंतन चलता रहता है। एक संकल्प है, फिर दूसरा संकल्प है, फिर तीसरा संकल्प है, ना बाहर की मौन है ना भीतर की मौन है, क्योंकि जहां जाते हो कुछ बन के जाते हो। आई एम मिस्टर सो एंड सो, बन के तो जहां जाओगे मार खानी पड़ेगी, बनना बनाना खत्म हो गया, बन जाते हो और जगह। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है उसके प्रति तुम्हें याद आ जाता है तुम्हारा रिलेशन क्या है। नौकर सामने आते ही तुम्हें याद आ जाता है मैं सेठ हूं, एकदम याद आ जाता है। अब एक मंदिर भी चले जाओ, पंडित जी रहते हैं उधर, ऐसे तुम पंडित जी को प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, पैर छूते हैं, पर नोट देते टाइम तुम उसको गरीब ब्राह्मण ही देखते हो, मैं दानी ये याचक है। तुम्हारे अंदर पर्सन टू पर्सन फीलिंग चेंज हो जाती है, और अगले से तुम कैसे श्रेष्ठ हो, वो श्रेष्ठता का अभिमान जाग जाता है। ये व्यवहार में अगर द्वैत बुद्धि ना जाए बोध कर्म बनता है, क्योंकि अंदर भाव पलटते रहते हैं हमारे, कहीं गुलामी कहीं सलामी, किसी के आगे अपने को छोटा जानते हो, गुलामी करने लगते हो, और कहीं अपने को श्रेष्ठ जानते हो, फिर मन कहता है कि ये मुझे सलाम करे, भावना बदलती रहती है, मैं देने वाला मैं करने वाला। मंदिर में देखा अपने लोगों को पैसे कैसे यूं सिक्का फेंकते हैं, आजकल तो दान पात्र लग गए हैं फिर भी, पर पहले लोग ऐसे फेंकते थे। अब तुम्हें अगर घर में आदमी खर्ची दे ऐसे महीने की, ये ले, कितना गुस्सा आ जाएगा, मैं भिखारी हूं ऐसी हूं वैसी हूं। ये जहां देने का भाव आता है, संत नजर नीची क्यों करते हैं कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, ये लोग भरम मोपे करें तांते नीचे नैन। और जब तक ज्ञान की समझ ना हो नैन नीचे, तो क्या ऐसे खोपड़ी ऊंची हो जाती है।
मैं देने वाला, मैंने दिया। तुम देखो छोटे छोटे फंक्शन भी मोहल्ले टोले में होते हैं ना, जो ज्यादा बड़ी पर्ची कटवा दे कहते हैं आप चीफ गेस्ट बन के आइएगा, पहुंच जाते हैं हम, कुर्सी मिलती है, स्टेज पे आर मिलता है, बिठाया जाता है, फ्री के दो स्नैक्स खिलाए जाते हैं, अगला सोचता है मैं सेट हो गया, बड़ा सम्मान किया उन्होंने मेरा। ईश्वर के दिए से भी सम्मान तुम खा रहे हो, कहाँ भुगतोगे जाके? दिया हुआ सब परमात्मा का, तुमने उसमें से भी खा लिया। मतलब तुम हमसे पैसे ले जाओ और आगे किसी को मदद के लिए दो और सूद खा लो बीच में से, मुझे तो वापस कर गए तुम जितने थे, पर मुझे अगर पता चले तुमने मेरे पैसों का भी सूद खाया तो मेरी नजरों में तुम क्या रहोगे? ऐसे लोग भगवान की नजर में क्या रहेंगे? खुश होते हैं, हमने दिया, हमने लिया, हमें इतना सम्मान मिला, हमें स्टेज पे चढ़ाया गया, तो इसका मतलब तुम्हें अहंकार है ना। जहां तुम्हारा मन मान स्वीकार करे, समझना तुमने भगवान को मार डाला और अपनी डील दिखा रहे हो, नहीं तो तेरा मन मान कैसे स्वीकार करता? जिसका मन मान स्वीकार कर रहा है वो अंदर से अपने को करता जानता है, जिसका मन मान स्वीकार कर रहा है वो ईश्वर को पीछे करके अपनी डील दिखा रहा है। कहां स्वीकार कर पा रहा है? पहली बात तो ये है, इस बात को अंदर वाला स्वीकार करे, करन करावन आपे आप। ये जब तक अंदर से स्वीकार नहीं होता तब तक अंदर मान स्वीकार होता रहता है, होता ही रहेगा। जब ईश्वर को कर्ता स्वीकार करोगे तो आप अपने मान को अस्वीकार कर पाओगे। ये बोलने की बात नहीं है, एहसास की बात है। जब मैं अंदर से ही जानता हूं कि प्रकृति ऑटोमेटिकली चल रही है, हुक्म पे चल रही है, हुक्म में अंदर सबको, तो मान स्वीकारी कैसे होगा? पहले तो मान की भावना ही नहीं होगी। और मान लो कहीं पर सामने आ भी जाता है, भीतर वाला स्वीकार ही नहीं पाएगा, कैसे स्वीकार कर पाएगा? तुम्हें करंट लगेगी, कोई तुम्हारे आगे हाथ भी जोड़ेगा तुम्हें शॉक लगेगा, मैं इसके योग्य नहीं। कोई तुम्हारा पैर भी स्पर्श करना चाहेगा तुम्हें भय लगेगा, मैं इस योग्य नहीं हूं, अरे ये तो मेरी साधना भंग हो रही है, मैंने ये स्वीकार करना शुरू किया तो मैं अपने श्रेय साधन से गिरा। तभी तो सावधानी रखनी पड़ती है। ये नहीं था कि दादाजी को कोई डर था, कोई पैर छू लेगा तो उनकी कोई साधना बिगड़ जाती, कोई और बात हो जाती, पर उन्होंने एक आदर्श रखा हम लोगों के आगे कि मैं मान को स्वीकार ही नहीं करता हूं। भाई जो एग्जाम हमने दिया ही नहीं, हम उसका रिजल्ट कैसे स्वीकार कर सकते हैं? सीधी सी बात है। इसी तरह से जब मैं किसी कर्म का करता ही नहीं हूं, मान की भावना कहां से आएगी? जब आप कर्ता बन जाते हो, मान की भावना करते हो, फिर ढूंढते हो मान, जिस गली नुक्कड़ पे मिल गया खुश हो गए, ना मिला तो बहुत परेशान हो गए, किसी ने पूछ लिया तो आपकी खुशी का पारावार नहीं, ना पूछा तो मूड बिगड़ गया। मैं फलानी जगह गया, मेरा बड़ा मान होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था? तुम कौन हो?
क्या हो, मेरे को कुर्सी देनी चाहिए थी, कुर्सी क्या और जमीन क्या, क्या कुर्सी पे बैठने वाला बहुत बड़ा हो गया, नीचे बैठने वाला छोटा हो गया। गुरु नानक देव जी से पूछा किसी ने, आप जमीन पे ही आसन क्यों लगाए रखते हो, कभी पेड़ के नीचे बैठे हो कभी कहीं बैठे हो। कहते हैं गिरने का डर ही नहीं, जो नीचे बैठा है उसके गिरने का डर नहीं, कुर्सी वाला तो कभी भी गिर सकता। किसी ने कुर्सी टेढ़ी की तो गिर जाएगा, कुर्सी टूट गई तो गिर जाएगा। मैं इसीलिए जमीन पे बैठा रहता हूं, मुझे गिरने का कोई डर ही नहीं है। मतलब क्या है, मान की भावना नहीं रखी है। ये थोड़ी है कि हमेशा कुर्सी से कोई गिर ही जाता है, लेकिन भाव ये है कि अगर आज मैं अपने को ये समझाऊं कि मेरे को मान मिले, मेरे को मान होना चाहिए, तो कल मैं गिर भी सकता हूं। लेकिन जब मैं मान की भावना ही नहीं रखता हूं तो गिरावट कहां से आएगी। अपने अंदर से भावना ही निकाल दी, कार्य सब गुरु का, कोई समझो तुम्हारी प्रशंसा करता है। तो अगर तुमने अंदर गलती से भी स्वीकारा, तुम्हारी साधना में घुण लग जाएगा, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, करी हुई मेहनत खराब हो जाएगी सारी। तभी जब सूरदास ने भजन गाया अकबर के दरबार में, अकबर ने खुश होके गले की माला उतार के फेंक दी। लो, इनाम देते थे ना राजा, ऐसे ही देते थे, प्रसन्न हो गए तो चार छह माला लटकी रहती थी गले में, कोई भी उतारी और ये लो इनाम दे देते थे। सूरदास को भी मिली, राजा ने फेंकी, सूरदास ने ऐसे झपी और ऊपर फेंक दी। बड़ा गुस्सा आ गया राजा को, हमने माला दी तुमने अपमान कर दिया, फेंक दी। कहते फेंकी नहीं, काना की थी उसको दे दी। काना की क्यों थी, ना ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले, तो इस मान का अधिकारी मेरा भगवान तू ही है। तो जब अपने में पूज्यता का भाव नहीं है तो जितनी मान की मालाएं हैं भगवान के गले में डालते जाओगे। तेरा कोई भजन गाता था गुरु महिमा का, दादाजी आंख बंद कर लेते थे। किसी ने एक बार पूछा, दादाजी आंख क्यों बंद की आपने, बोले मैंने गुरु को रिडायरेक्ट कर दिया, सब उन्हीं की कृपा है ना, तो मैं आंख बंद करके उनको रिडायरेक्ट कर रहा था, तो ये सब आपका है, ये महिमा आपकी है, ये स्तुति आपकी है। मेरी तो अपनी स्थिति आपकी स्तुति में बनती है, गुरु की स्तुति में ही स्थिति है हमारी, वरना हमारी स्थिति कुछ नहीं। हम उसकी वंदना में रहें, उसकी स्तुति में रहें, उसको याद रखें, उसी को श्रेय देके चलें, हमारी स्थिति इसी में। अपने आप को ज्ञानी कहने में हमारी स्थिति नहीं है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में हमारी स्थिति नहीं है। कई बार हम गुरु को भूल के अपनी स्थिति बखानने लगते हैं, एक लाइन बोल देते हैं गुरु की कृपा है, गुरु ने ऐसा किया है, पर बखानते अपनी स्थिति है, फलानी हालत आई, मेरे को तो कुछ लगा ही नहीं, मेरे को तो ऐसा, मेरे को तो वैसा। तो ये सब अहंकार है, कर्तापना है, अपनी श्रेष्ठता बखानने की बीमारी है, अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, ये नहीं ज्ञानी का स्वभाव होना चाहिए, भक्त का स्वभाव ये नहीं होना चाहिए। ये मान पाने की इच्छा हो गई, इससे बच के चलना है। सब श्रेय परमात्मा को जाता है, परमात्मा ही करने वाला है। अच्छा मान लो आज हमारे अंदर कोई गुण होता तो गुरु के मिलने से पहले प्रकट होता, गुरु के मिलने से ही प्रकट हुआ ना,
आज जो भी स्थिति हम समझ रहे हैं अपनी, जो भी हम कह रहे हैं हमें निश्चय, हमें फलाना, हमें ऐसे, तो आखिर तो सारा का सारा गुरु का देन है ना, गुरु की कृपा है। और मान लो कहीं किसी स्थिति से तुम चढ़े भी, सबसे पहले तो गुरु का दर्शन करना चाहिए फिर, कि आपकी कृपा। गुरु को तो श्रेय दिया ही नहीं, गुरु को तो शक्ल दिखाई नहीं, बाकी अपनी महिमा हम बखानते जा रहे हैं, तो और अजीब बात है। जिसकी कृपा से मिलता है इंसान, सबसे पहले उसको तो जाके झुकता है ना, कि आज ये हालत आई आपकी कृपा से मैं उपराम रहा। सच्चाई तो यही है। अर्जुन झुका भगवान के आगे, आपको चहुं ओर से नमस्कार है, आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मैं निश्चय में हूं, मेरा संशय निवृत्त हुआ है। तो ये मान की भावनाएं तब आती हैं जब हम मन को खुला छोड़ते हैं। कर्तव्य कर्म जैसे संसार में याद रहता है, ऐसे कर्तव्य कर्म यहां भी याद रहना चाहिए। भले गुरु कहता है जो तू है सो मैं हूं, लेकिन हमें हर पल याद हो कि मुझे अपने मन को झुका के चलना है, निमाणा करके चलना है, नीवे हो के चलना है। लेकिन मन को बीमारी क्या होती है, जहाँ प्रशंसा मिले, वाह वाह मिले, मैं वहाँ अपनी स्थिति बखान करूँ, जल्दी से बताऊँ अपनी स्थिति, बताऊँ मेरे वाइब्रेशन से मेरे घर में कैसा रहा। अब ये तो हरि का नाम ही इतना प्यारा है, किसी के यहाँ भी दुख सुख हो जाता है, बस हम पहुँच गए, हमने भजन गाया, हमने अरे ये तो फिर भजन की महिमा है ना, परमात्मा की महिमा है, तुम कहाँ से आ गया बीच में। पर इनडायरेक्टली हम अपनी प्रशंसा करना चाहते हैं, महिमा करना चाहते हैं, तो हम नहीं जान रहे ना भगवान को। कोई हमसे प्रश्न करे, जिसने तेरे पे इतनी कृपा की क्या तूने वहाँ सजदा किया? नहीं, अभी तो मैं अनुभव बना के बैठा हूँ, अभी तो मैं ऐसा करके बैठा हूँ। किसी के यहाँ दुख सुख होता था, भगवान झट बोलते थे, कोई लेडी स्थिर भी रह गई, हस्बैंड की डेथ हुई, कोई स्थिर रह गया, भगवान बोलते थे अभी क्रिया हो गई ना, चार दिन हो गए, पांचवें दिन मेरे पास चली आओ। नहीं मैं स्टेबल हूं, बिल्कुल, बोले बैलेंस है, तो यहां आना, गुरु को तो मत्था टेक आके, गुरु के तो शुक्राने गा, वहां बैठ के तो तुम्हारी महिमा हो रही है, देखो कितना स्थिर है, देखो ज्ञान में कितनी स्थिति बना ली है, पकड़ लेते थे। क्यों? ये मान की भावना हर जगह साथ चलती है। ये मत सोचना ज्ञान सुनने के बाद मान का भाव नहीं आता, बहुत आता है। राजा जनक के यहां सभा तो संतों की है, अष्टावक्र का मजाक उसी में उड़ाया गया, वो भी छोड़ो, एक बार कबीर जी की बात आती है, अब इतना ज्ञान सुना हुआ, इतने मस्त रहने वाले, इतना आनंद में रहने वाले कबीर जी, एक दिन उनके पड़ोसी ने सत्संग रखाया, तो सारे गांव में न्योता दे आया, पास के गांवों में न्योता दे आया। अब कबीर जी को भी खबर तो पड़ गई, सत्संग है और संत भी आ रहे हैं, आया ही नहीं बुलाने, आया ही नहीं बुलाने, बिल्कुल समझो अगले दिन सुबह सत्संग था, एक दिन पहले रात को आया, कबीर जी को न्योता दे गया। और बातों बातों में निकल जाती है बात, बस आप ही का एक घर रह गया था, मतलब आखिरी न्योता आपको है, बाकी सबको तो हम न्योता दे ही चुके हैं। अब तो कबीर जी को बड़ा बुरा लग गया, लास्ट में न्योता देने मुझे आया, ये जो पूज्यता का भाव, श्रेष्ठता का अभिमान जो गीता में बोली है ना बातें, बड़ी माइन्यूटली चेक करने वाली बातें हैं, बहुत माइन्यूटली, क्योंकि ये श्रेष्ठता के भाव, पूज्यता के भाव, ये आ जाते हैं अपने में, जरूर आ जाते हैं। तुम देखो कोई परिस्थिति आएगी ना,
सत्संग कहीं सुनाने जाते हो वहां पहुंच जाओगे, गुरु तक नहीं आ पाओगे। भाई इतने दिन से तुम्हारे पर हालत है, गुरु के पास गए वहां नहीं गए, गुरु ने क्या कहना, गुरु तो अहंकार मर्दानी करेगा। पर जहां सुनाना है वहां नियम से फिर भी पहुंच जाओगे ना, बीच बीच में जाओगे, क्यों, वहां से वाहवाही मिलेगी, उनको बताएंगे ऐसी हालत में भी मैं बैलेंस्ड हूं, ऐसा हूं वैसा हूं। ये आती हैं बातें अंदर, और ये जब गुरु के अंडर नहीं चलता ना इंसान, तो इस अज्ञान को नहीं पहचानता। निश्चय की खाल तोड़े रखोगे अंदर, ये अज्ञान का दीमक तुम्हें खाएगा, क्योंकि अंदर से पूरी तरह अज्ञान निवृत्त नहीं होता, रह जाता है अभिमान, रह जाता है मैं, रह जाती है। भाव पहला ये होना चाहिए, गुरु तक कैसे पहुंचूं, पर भाव ये होता है नहीं, अपने सत्संगियों को तो आदर्श दिखा दूं, उन लोगों को लगेगा कि मैं देखो कितना मायातीत हूं। किसी को लगने से फायदा नहीं जब तक के गुरु तुम्हें पास ना करे। अब कबीर जी को इस बात की ईगो आ गई, हर्ट हो गए, संत हैं पर बोला ना, जब बन जाते हो और बना लेते हो, संत भी तो बन गए, मुसीबत हो गई संत बनते ही, क्योंकि जब बन गए कंपैरिजन भी आएंगे, मैं संत हूं तो और भी संत हैं, मैं संत हूं तो बाकी साधारण लोग हैं। अब गांव के सब साधारण लोगों को न्योता गया मुझे लास्ट में, और संतों को पहले बुलाया मेरे को बाद में, वो आ भी गया बुला भी गया, लेकिन मन ने एक बात पकड़ ली, मुझे आखिरी न्योता आया, अब मैं भी नहीं जाऊंगा। अंदर में जोश आ गया, हम नहीं जाएंगे, क्यों जाऊं मैं इसके घर सत्संग में, लास्ट में बुलाने आया। अब कभी कभी बड़ा प्रभावित कर देता है मन, चाह के भी इसको जीत नहीं पाते हो। जितनी मन की भावना बड़ी होगी उतना अपने मन को पहचानना और मानना भी कठिन होता है, ये भी सच्चाई है। जितना बड़ा अहंकार उतना उस अहंकार को स्वीकारना कठिन, कि हाँ ये अहंकार है, ये मैं है, इस चीज को कैच करना और मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। तभी तो कहते हैं बड़ा में बड़ा ज्ञानी वो जो आखिर तक गुरु से अपनी भूल सुन पाए। जो अपनी भूल नहीं सुन सकता, नहीं स्वीकार सकता, वो भले कितना ही ज्ञानी होने का ढोंग करता रहे, मंजिल नहीं मिलेगी, गिरेगा, एक समय आएगा गिरेगा, चढ़ तो सकता ही नहीं। बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गुरु को दिखता है वो इंसान को खुद को नहीं दिखता। सिर पर गुरु का होना इसीलिए जरूरी है, तुम कहां गए, तुम कहां आए, गुरु को मालूम है। कईयों से हम ही लोग फोन करते रहते हैं, आप कहां पर हैं, आप आए नहीं तीन चार दिन से, मैं यहां गया हुआ हूं, मैं वहां गया हुआ हूं। अरे तुम्हारे सिर पे कोई है कि तुम बिल्कुल ऐसे आवारा हो? सिर पे कोई होना चाहिए ना, जिसके पास तुम्हारी खबर हो, मालूम हो किसी को तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। हम लोग सत्संग छोड़ के भी कहीं जाते थे तो भगवान को पूछते थे पीछे किसको बिठा के जाना है, सत्संग कौन करेगा, जिसको वो आज्ञा करते थे, फलाने को बिठा दो, फलाने को कह जाओ, भले चार बार लगातार भी किसी को कह दें और भले किसी को एक बार के बाद दोबारा भी ना कहें, लेकिन हमारा कोई मतलब नहीं बीच में, जिसको बिठा दें। कार्य जब उनका है उनके हुक्म से ही चलना चाहिए, उनको खबर होनी चाहिए कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंडर चलना तो इसी को कहते हैं। अब कबीर जी ने निर्णय कर लिया मैं नहीं जाऊंगा। अब कभी कभी
हट तो आ जाता है अंदर, पर आप देखते हो कि ध्यान वहीं लगा रहता है। हट तो आ गया, नहीं जाऊंगा, दरवाजा भी बंद कर लिया, पर खिड़की में से देख रहे हैं कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, सारा गांव जा रहा है। फिर सत्संग है, और संत का सत्संग से बड़ा प्रेम है, टिका भी नहीं जा रहा घर में, जाऊं जाऊं खींचो रही है। आखिर विचार किया कबीर जी ने, तो समझ में आया कि मैं अहंकार क्यों कर रहा हूं। बाद में बुलाया, पहले बुलाया, ना भी बुलाता मेरे भगवान की दरबार लगी है, मैं तो जा सकता हूं, यह अभिमान नहीं होना चाहिए था मेरे अंदर। अब उनको बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत पछताए, फटाफट तैयार हुए, पहुंच गए। अब देखा वहां चार पांच संतों की जगह बनी हुई थी, बैठे थे, कबीर जी का आसन तो लगा था पर खाली था, लोगों का सबका मुंह उधर की तरफ, संतों की तरफ। कबीर जी पहुंचे लास्ट में पीछे। अब इन्होंने अपना मान घटाया, जहां संगत की चप्पलें पड़ी थी वहां जाके बैठ गए। मन को बोला बड़ा मान चाहिए ना, ये मान मिलेगा, चप्पलों में बैठ, दरी पे भी नहीं बैठ, चप्पलों में बैठ। आज मन में संकल्प आना एक बात है, उसको जीतना दूसरी बात है, पर बड़ी अहम बात है मन को ऐसी चोट देना दोबारा वैसा संकल्प ना उठे जीवन में, ये भी हमारा पुरुषार्थ होता है। मन के अपोजिट जाके ऐसी मार मारना मन को, दोबारा सिर ना उठा पाइए। कबीर जी ने मन के फन को कुचला है, ये चलते चलते इस मार्ग पर ना ये बीमारियां लग जाती हैं। कुर्सी चाहिए, बड़प्पन चाहिए, वाहवाही चाहिए, मैं मेन हूं, मैं प्रधान हूं, मेरे बिना ये क्यों हुआ, मेरी आज्ञा के बिना। अरे भाई, आज्ञा में चलाना चाहते हो पर आज्ञा में चलते हो? मजेदार बात देखना, जो खुद किसी की आज्ञा में रहता होगा वो कभी किसी को आज्ञा में नहीं चलाएगा, दास कभी स्वामी हो ही नहीं सकता। लेकिन जो सारा दिन दूसरों को ये सुनाता है आज्ञा में चलो, आज्ञा में रहो, इसका मतलब वो खुद किसी की आज्ञा में मिटा हुआ नहीं है। ये बड़ी पहचान है एक, जब मेरा कुछ नहीं है तो भगवान अपना कार्य जैसे मर्जी चलाए, पर ये मैं बीच बीच में घुस के आ जाती है। कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, कुछ ठीक लगता है, कुछ गलत लगता है, लगता रहता है। और जहां जहां कुछ लग जाता है, हम कबीर जी की तरह कोई कोई निर्णय भी ले लेते हैं, आगे से मैं ऐसा करूंगा, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, आगे से मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, इसको ये कहूंगा, ये नहीं कहूंगा, कर ले अपने आप, आती है ना ये बातें, ये वही सेम स्थिति कबीर जी वाली हो जाती है। पर विचार होवे, विवेक होवे, हमें पता हो कि ये गलत है, ये मेरी मैं है, ये मेरा अहंकार है, मालूम होना चाहिए। कबीर जी ने अपोजिट चला मन से, हम भी मन से अपोजिट चलें। मन कभी सोचता है अच्छा ये बड़पन दिखा रहा है, अच्छा ये, मन को उल्टी मार मारो, अगले को और आशीर्वाद दो, मन को उल्टी मार मारो, अगले को और प्यार करो, ये होना चाहिए। अब लंगर का समय हो गया, लंगर बटा, कबीर जी ने अपनी जूती में दाल ली, रोटी हाथ में लेके उस दाल से रोटी खाई, अपने मान को नीचा किया। जब कभी परमार्थ के मार्ग पर मान नजर आए, अपने को बहुत नीवा करना चाहिए। अब यानी कि
जुत्ती में दाल रख के रोटी खाओगे तो कबीर हो जाओगे। मतलब इतनी नम्रता सीखें, फिर अगर एक संकल्प मान का आ जाए, फिर इतना नम्रता का विचार करें कि बिल्कुल मान की भावना ही ना बचे। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अभिमानी व्यक्ति को तो मान वैसे ही नहीं मिलता। और अभिमान शब्द कितना सुंदर है, बस अभी अभी का मान है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, अभी अभी का मान है। अभिमान, अभी मान रहे हैं लोग तेरे को, चल थोड़ी देर के लिए, उसके बाद किसी ने नहीं मानना, किसी ने नहीं पूछना। चेयर नहीं होती, लोगों की पोस्ट होती है, कहते हैं बस जी कुर्सी को सलाम है, जब तक कुर्सी पे है कोई भी काम करा लें। तो ये अभिमान अभी अभी का है, म्याद ज्यादा नहीं है इसकी। मुंह देखे का मान है सारा, उसमें तुम खुश हो जाते हो। मान लो कहते हो गुरु भी मान करे, अच्छा गुरु मान करे तो फिर तुम्हारी स्थिति कौन बनाए? गुरु मान करे तो तुम्हें तोड़े कौन? फिर गुरु का तो काम है तुम्हारी मैं को चकना चूर करना, गुरु का तो काम है हाथ में तलवार लेके बैठना। जो है बुझ दिल भाग जाओ, तलवार लेकर आ गए। शीश देके ईश पाओ, बात बस इतनी सी है। जिसको मरना आ गया, फीस बस इतनी सी है। जो है बुझ दिल भाग जाओ, तलवार लेकर आ गए। सड्डे सतगुरु, भगवान हमें रोज एक बात सुनाते होते थे, सड्डे सतगुरु कयो टुकड़ा, जिए कसाई कुहे बकरा। गुरु बुलाता है, सड्डे में ना बुलाए, बुलावा भेजता है, आओ सड्डे सतगुरु। पर क्या करता है सड्डे सतगुरु कयो टुकड़ा? टुकड़े करता है। और कैसे टुकड़े? जैसे कसाई बकरा कोहता है ना गुरु, ऐसे कोहेगा तुम्हें। तुम तो मान की बात करते हो, वो तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। तुम तो मान की बात करते हो, वो ऐसा अपमान देगा, दुनिया का अपमान लगना बंद हो जाएगा। दादाजी बोलते थे मैं गाली तो इसलिए देता हूं ताकि दुनिया की गालियां लगनी बंद हो जाएं तुम्हें। मैं अपमान इसलिए करता हूं, और किसी का अपमान लगेगा ही नहीं फिर तुम्हें। गुरु तो बहुत बड़ा अपमान देता है, मान भी बड़ा देता है कि दुनिया से मान चाहिए नहीं। कौन सा मान? तू ब्रह्म स्वरूप है। पर जब वो अपमान देने पे आता है, ऐसा अपमान देता है, दुनिया में किसी ने ऐसी बेइज्जती तुम्हारी की नहीं होगी। भगवान ऐसी ऐसी बातें बोल देते थे जिंदगी में किसी ने किसी से सुनी ना हो। किसी को खाना बनाने में ही देर हो गई, तेरा मुर्स रोटी पकाएगा क्या? मुर्स माना पति। चलो कुंवारी लड़कियां तो सह लें, शादीशुदा लोगों को सहना ही मुश्किल हो जाता था। रन उनका पेट वर्ड होता था, ए रन इधर आओ, रन तूने ये काम नहीं किया। अब अर्थ देखो तो बड़ा बुरा है, विधवा को बोलते हैं, वो तो सुहागन भी नहीं देखते थे, कुआरी भी नहीं, सारी रन थी उनके लिए। फिर बोलते थे हम रन कहते, रन माना रन, जल्दी दौड़, अच्छा अर्थ निकालो उसमें से। लेकिन बोलते दिन भर थे, कुछ भी कहते थे। गुरु जब बोलता है तो वो नाप तौल के नहीं बोलता हमें, वो फिर बनाता है जब किसी को तो बनाता है, जब किसी को ठोकने पे आता है तो ठोकता है, फिर परवाह नहीं करता तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, जो लगता है लगे जाके। वो एक बार तो इंजेक्शन दे देता है, एक बार तो सुना देता है जो सुनाना है। तभी तो पहले इतना प्यार करता है, बकरे को पालता ही कसाई इसलिए कि काटेंगे इसको, और हैवी वेट का हो जाएगा तो महंगा बिकेगा। तो गुरु भी हमारी पालना करता है, प्यार करता है, किस लिए? हमें एक मेंटली प्रिपेयर करता है कि हम उसकी गाली खा पाए। इतना प्यार कर देता है ताकि फिर हम उस शौक को सह पाए, गाली सह पाए, अपमान सह पाए, गुरु जो बोले उस बात को हम सहन कर पाए। इसी के लिए तो प्यार करता है, इतना अपना बनाता है, मान देता है, खुश करता है हमें, ताकि हमें एक लेवल पे ले आए।
कि जब वो हमारी मैं की गर्दन मरोड़ने लगे तो हम परेशान ना हो। होते फिर भी हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको बुरा नहीं लगता, हम लोगों को भी लगता था। हम लोग बोलते थे भगवान आप कहते हो, वो फिर बोल बाल के फिर शाम को सत्संग में कहते थे गुरु का गुस्सा मुँह अंताल से भी मीठा। हम लोग बोलते थे नहीं लगता, कड़वा लगा है, मीठा कर कर के दिखा रहे हैं सवेरे से, मसा मूड ठीक हुआ है, लेकिन मीठा तो नहीं लगता डायरेक्ट। बहुत प्रैक्टिस करवाते थे, फिर रोज मारते थे, देखें कब तक कड़वा लगता है तुम्हें, लगेगा एक दिन मीठा, समझोगे अपनी भलाई। मीठा लगना मना अपनी भलाई समझना, मीठा लगना मना ये समझना, तो गुरु मेरे देह अध्यास को उड़ाता है, मेरे को नहीं। कहते थे तुम तो मेरे गुझी प्रेमी हो, बहुत प्यारे हो, तुम मेरे बड़े प्यारे हो, पर तुम्हारा अहंकार मेरा दुश्मन है। तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूं, पर तेरे मन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर ये बातें समझ आने लगी धीरे धीरे। शुरू में तो मान गुरु के पास भी मिलता है तो कौन सी बड़ी बात है। अगर कुम्हार भी मिट्टी लाता है बर्तन बनाने के लिए तो गधे की पीठ पे ही लाता है। तो शुरू में तुम आते हो मान के गधे पे ही चढ़ाते हैं हम लोग, चढ़ बैठो भाई घर तक चलें। मिट्टी खुश हो गई, बड़ा कद्रदान मिला है, गधे पे सवारी लेके जा रहा है मेरी। पर जब पहुंच जाता है घर तो क्या करता है, बोरी उठा के आंगन में यूं पटकता है, शौक लगता है मिट्टी को वहीं पर ही। ये अभी तो मेरा इतना मान हो रहा था, ये क्या हुआ। अब कंकड़ चुनता है, छानता है, फिर पैरों तले रौंदता है, गूंथता है ना, जब पैरों से गूंथता है, उसके बाद चाक चढ़ा देता है, फिर धूप में रख देता है, फिर तवे में डाल देता है, लास्ट में आके रंग रोगन करता है। चढ़ी तो मिट्टी गधे की पीठ पे थी, तो प्रशंसा की रूपी गधा है, इसकी पीठ पे सारे चढ़ते हो, मान रूपी गधा है, सब चढ़ते हैं इसके ऊपर और बड़े खुश होते हैं, शायद मैं एक योग्य आ गया हूं। कभी कभी नयों के आगे भगवान हम लोगों को कुछ कहते थे, वो गुरु जी इतने साल हो गए ये लोग ये नहीं सीखे, भगवान बोलते थे बैठ जा तू भी थोड़े दिन, अभी बताती हूं क्या कौन सीखा कौन नहीं सीखा। आ जाता है ये मान, बड़ी बुरी तरह आता है। गुण सब भगवान का, अहंकार तुम्हारा वो नहीं। एक दिन रामनवमी थी तो एक घोड़ा तैयार किया गया था, राम जी की मूर्ति ऊपर रख के ले जाएंगे। घोड़े की सुबह सुबह तबीयत खराब हो गई, कुछ मिले ही ना, धोबी ने कहा चलो मेरा गधा ले जाओ। अब गधे के ऊपर रखी राम जी की फोटो, जलूस निकाला गया। जब मोहल्ले से निकला गलियों से निकला गधा तो लोग कोई हाथ जोड़ रहा कोई फूल फेंक रहा, एक दो फूल गधे के कान में भी लग गए, आके अटक गए वो। गधा तो इतना खुश कि आज मेरी बड़ी इज्जत हो रही है, बड़ी जोर से उछला। एक्साइटमेंट कितनी देर छिपाता है ना बेचारा, मान की भावना वाला है उससे एक्साइटमेंट छिपाई भी नहीं जाती। और वो गलती से जो दो फूल कानों में लग गए थे उससे तो बिल्कुल ही पक्का हो गया। एक आदमी ने हार फेंका वो भी उसके गले में अटक गया। गधे को पक्का लगा कि आज मेरी वाहवाही हो रही है, मैं राजा हूं। बड़ी जोर से उछला, उछलते ही मूर्ति गिर गई राम जी की। अब पड़े गधे को डंडे। तो ये तो जब तक भगवान बैठा है ना घट में, ये मुर्दे का भी मान हो रहा है। पर याद रखो मान भगवान का हो रहा है, इस मुर्दे का नहीं हो रहा। आज हजारों लोग आए भले दिखेंगे हाथ जोड़ते हुए, पर हमको याद है ये कुछ नहीं है, ये मुर्दा है, मिट्टी है मरा। सब भीतर मेरे जो भगवान बैठे हैं ना, ये सब उनको झुक रहे हैं। अगर गधे की तरह स्वीकार कर लो, अब गलती से दो जनों के हाथ हमारे पैरों पे भी लग गए, गधे की तरह उछल जाएं, तो यही दो छोड़ अब 20 मारने आएंगे। फूल तो दो चढ़ाएंगे, मारने 20 आएंगे, क्योंकि गधे को पीटने वाले तो अब सारे मोहल्ला इकट्ठा हो गया। गधा तू उछला कैसे, भगवान जी गिरा दिए। उछलोगे मतलब भगवान को भूलोगे, भगवान को गिरा दोगे, बहुत नुकसान हो जाएगा।
इसीलिए कभी मान की भावना तो दिमाग में रखना ही नहीं। मान कैसा, ये मिटने की मंजिल है। गली सांवरे दी आज कतल गा बन गई, जान देवण दी मेरी सलाह बन गई। अगर जान देने की सलाह बने तो इस कतलगाह में आओ, वरना क्या लेने आए हो। यहां कुछ नहीं मिलता, मौत मिलती है। ज्ञानी कहते हैं मैं मृत्यु बेचता हूं, मृत्यु का सौदागर हूं, जीते जी का मौत देता हूं, चाहिए तो आ जाओ, दूसरी कोई बात नहीं। मान वान कुछ नहीं है, प्यार है उसका। तुम्हें साथ बिठा लिया, तुम्हें खिलाया, तुम्हें घुमाया, ये उसका प्यार करने का ढंग है। क्यों, सब मेरा ही अपना आप है, सबको प्यार करता है, सब मेरे गुरु का रूप है। मान देने की भी बात नहीं होती किसी को, हम क्यों मान देंगे। मान दे माना गलत तरीके से चलाएं अगले को और उसको एडिक्ट कर दें इन चीजों का, नहीं। मान नहीं है, ये प्यार है। जैसे मैं इस शरीर को प्यार करता हूं, खिलाता हूं, चलो तुम बैठे थे तुमने भी खा लिया, और कोई विशेष तो है ही नहीं, जो बैठा रहता है। अब कल भी हम बैठे थे, चाय पी रहे थे, कोई बैठा था, मैंने कहा तुम चाय पी लो। फिर दिन भर मिलते रहे लोग, फिर लंच का टाइम हो गया, तब भी कोई बैठा था, अच्छा जाएं आप लंच ले लीजिए, मैंने कहा अब तुम बैठे ही हो, तुम भी खा लो, थाली तुम भी ले लो, सहज हो जाता है ये भी। उसमें कोई वो बात नहीं है कि हमने किसी को मान देना है, ऐसा करना है, प्यार करने की बात है। और क्या हो गया, और कोई अपना बैठा हो, बच्चा बैठा हो कोई अपना, उसको उठा देंगे क्या, हम गाना खा रहे हैं, चल भाई तू बैठा है तू भी खा ले, जो आ गया सामने। तुम ये देखो, गुरु के पास मान वाली बात ही नहीं है। गलत सेंस लेते हो आप लोग कि शायद मान मिल रहा है इसको, मान मिल रहा है इसको, ये तुम लोगों की आपस की लैंग्वेज हो जाती है। आपको तो बड़ा सम्मान देते हैं, आपको तो बड़ा नहीं, प्यार करते हैं। देख के अपना आप फ्रे हो जाता दिलदार है। ज्ञानी को भी नहीं पता किसके लिए क्या लहर आ जाती है, आ जाती है तो आ जाती है सबको। अब जाता है विवेकानंद, कभी तो रामकृष्ण मुंह में मिठाइयां खिलाते हैं, इतना लाड़, नहीं आई लहर तो बेचारा आके सामने खड़ा है, मुंह नहीं करते उस तरफ, मैं देखता ही नहीं, मेरा प्रयोजन ही नहीं। ये भी सहज होता रहता है ज्ञानी से, कोई करता हो के नहीं करता, अच्छा कौन बुरा कौन, मान के योग्य तो फिर सारे हैं, क्योंकि सारे ही मेरे सतगुरु का स्वरूप है। और वैसे देखा जाए तो आए वो मिटने मान का है का, यहां मान की भावना करी तो अपने को नरक में डालोगे, क्योंकि जिंदगी में नहीं ऊंचे उठ पाओगे। और यहां हर टाइम मान मिल भी नहीं सकता, एक बार ध्यान रख लेंगे, दो बार रख लेंगे, हम तो भूल भी जाएंगे तुम्हें मान चाहिए, उल्टा ज्यादा ही गाली खा के जाओगे, आते जाते खाओगे, छोड़ो परे। इसलिए सहज स्वभाव होके रहो, हर बात के लिए प्रिपेयर रहो, खुद ही रोज संकल्प लेके आओ, भगवान मेरी मैं मारो। गुरुजी तो उल्टा बताते थे, जब तक हम जी करके बुलाते हैं समझो अभी हमने तुम्हारे पे अधिकार ही नहीं समझा, ऐसा क्या देते थे। सब परेशान हो जाते थे, पहले तो खुश होते थे, गुरुजी खुद मुझे जी बुलाते हैं फलानी जी, और वो कहते थे जब तक मैं जी कहती हूं मेरा हक नहीं है तुम लोगों पर। अरे ये तो काम खराब हो गया, आपका हक नहीं है तो हमारी बनावट कौन करेगा। कहते थे छोड़ो इस भाव को, क्यों रखा है मैं का भाव, मान का भाव, गवा के चलो ना, आए हो आपा गवाने, आप गवाइये ताशाओ पाइए, और कैसी चतुराई। दादा ने सिस्टम ही नहीं रखा, लोगों ने बोला नाम होना चाहिए, दादा ने बोला यहां मैं नाम मिटाऊंगा, हॉल बनवा दें बार एक तख्ती लगवा दीजिए, दादा ने बोला नहीं कोई तख्ती नहीं लगेगी, कोई मान नहीं मिलेगा यहां। बल्कि जो दुनिया में मान शान बना के बैठे हो ना, हम उसको भी मटिया मेट कर देंगे, वो भी रौन देंगे तुम्हारी। तभी तो देखो भगवान तीन टोल भेज देता है, दुख गरीबी बीमारी, अपने भक्त को तीन मिठाइयां भेजता है,
दुख भी भेजता है, गरीबी भी भेजता है, बीमारी भी भेजता है तुम्हारे मन को निमाणा करने के लिए। नीवे हो जाओ, नीवा होके चल, नीवियां नु रब मिलदा। सदा नीवी करिए गल, नीवियां नु रब मिलदा। यहां तो नीवे होने की बात है। फल लाए, सब्जी लाए, मतलब उन्होंने चाकू के नीचे आना ही है। तुम यहां आ गए, मतलब तुम्हें गुरु की तलवार के नीचे आना ही है। सीधी बात है। दसों गुरु देख लो, तलवार लटका के चलते थे। आज भी जो अमृत चखते हैं, तलवार लटका के चलते हैं। अमृत चखना है, गर्दन पे तलवार फील करते रहो, तब अमृत चख सकोगे। वो तो ऐसे कह देते हैं, अभी अमृत छका, पाठ करने के योग्य हुए, चलो तलवार लटका लो, पांच चिन्ह दे दिए। पर सच्चाई ये है, जिसने गुरु की तलवार अनुभव नहीं की सिर पे लटकती, वो ये आनंद का अमृत छक ही नहीं सकता। गुरु की तलवार लटकती हुई महसूस करो, चिन्ह वैसे नहीं धारण करना, यूं महसूस करो तलवार गुरु की सिर पे है ही मेरे हरदम। गुरु के भय के साय में रहो, अंडर रहो गुरु के, फिर अमृत छकोगे। आई बात समझ में?